वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज मैं आपको डोसा बनाने का एक बिल्कुल परफेक्ट तरीका बताऊंगी। एक परफेक्ट रेशो होता है डोसा बनाने का। उस रेशो के साथ यदि आप डोसा बनाएंगे तो आपके डोसे बिल्कुल मार्केट स्टाइल में क्रिस्पी बनेंगे। आप मेरा वीडियो पूरा देखें, मैं आज आपको साउथ इंडियन स्टाइल में डोसे बनाने की विधि बताऊंगी और एक एक चीज को मैं आपको क्लियर करके बताऊंगी ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि डोसे का बैटर कैसे बनाएं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है, यहाँ पर 2 कप मैंने खाने वाले चावल लिए हैं। जो हम रोज चावल खाते हैं वही चावल मैंने लिए हैं। हमें जो नाप लेना है वह 1 ही कप फिक्स करना है। 1 ही कप से ही हमें सारा नाप लेना है। ये हमने ली है उड़द दाल। आप देख सकते हैं ये बिना छिलके की मैंने उड़द दाल ली है। 1/2 कप मैंने उड़द दाल ली है। 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे ली है चना दाल। 1/4 कप मैंने यहाँ पर खाने वाले पोहे लिए हैं। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर मेथी दाना लिया है। इससे डोसे का कलर अच्छा आता है और खमीर भी जल्दी उठता है। और हमें नमक चाहिए स्वाद अनुसार। नमक और पोहा को छोड़कर सारी चीजों को हमें एक साथ बाउल में भिगो देना है पानी के साथ। 4-5 घंटे तक इन्हें हमें सोक करना है। जब ये अच्छी तरह भीग जाएंगे तब इन्हें हमें पीसना है। आप देख सकते हैं इन्हें मैंने अच्छी तरह धो लिया था। 4-5 घंटे हो गए हैं और कितने अच्छे फूल कर ये तैयार हुए हैं ये देखिए। अब इन्हें हम मिक्सी में पीसेंगे। पानी जरूरत के हिसाब से ही डालना है, ज्यादा हमें पतला बैटर तैयार नहीं करना है। यहाँ पर मैंने मिक्सी का जार लिया है, इसमें सारा बैटर मैं ऐड कर दूंगी और इसको अब हम पीसेंगे। जो हमने पोहा लिया था उसको भी मैंने अच्छे से धो लिया है। आप देख सकते हैं इसको भी मैं इसी में ऐड कर दूंगी और सबको एक साथ हमें पीसना है। मिक्सी में एक अच्छा सा पेस्ट तैयार करना है इसका। आप देख सकते हैं डोसा बैटर हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसे मैंने एक बाउल में डाल लिया है। इसको अब हम ढक कर रख देंगे। यदि गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो इसमें हम अभी नमक डालेंगे क्योंकि नमक जो है खमीर उठने के प्रोसेस को धीरे कर देता है और खमीर उठ जाता है तो वो खट्टेपन पर आ जाता है। और सर्दी ज्यादा पड़ रही है तो हम नमक बाद में ही ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं नमक बाद में ही डालूंगी और इसको मैं ढककर एक गर्म जगह पर रख दूंगी। यदि आपके पास माइक्रोवेव है तो उसको आप गर्म करके प्री हीट करके 8-10 घंटे के लिए खमीर उठने के लिए उसके अंदर रख दें। नहीं है तो किसी भी अलमारी के अंदर आप इसे रख सकते हैं। और गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो 4-5 घंटे में ही खमीर उठ जाएगा, आप चेक कर लें। काफी टाइम हो गया है, अब हम देखते हैं कि इसमें खमीर उठा है कि नहीं। अब मैं ढक्कन को खोल लेती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा खमीर उठा है, मैं आपको दिखाती हूँ। पहले इसका लेवल यहां तक था जब हमने इसको भरा था, अब देखिए फुलके दुगुना हो गया है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए कितना अच्छा खमीर उठ के आया, कितना हल्का हो गया, आप देख सकते हैं। ये देखिए इस बैटर में मैंने नमक नहीं डाला है। जितना आपको डोसा बनाना है थोड़ा निकाल के उसी में ही आप नमक ऐड करें। बाकी बचे हुए बैटर को एयरटाइट कंटेनर में भर कर आप फ्रिज में रख दें। ये बैटर हमारा 4-5 दिन तक खराब नहीं होता है। जब भी हमें डोसा बनाना हो तब इसे हम निकाल कर नमक डालकर हम इसको काम में ले सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट रेशियो जिसकी मदद से डोसे हमारे अच्छे बनते हैं। और ये परफेक्ट तरीका है, आप भी इस तरीके से डोसे बनाएं। इस तरीके से यदि आप डोसे बनाएंगे तो बिल्कुल होटल स्टाइल में क्रिस्पी और गोल्डन कलर के बनेंगे। बिल्कुल भी डोसे जो है हमारे तवे पर चिपकेंगे नहीं और क्रिस्पी बनेंगे। डोसे बनाते समय हमें बस इतना ही ध्यान रखना है कि बिल्कुल परफेक्ट रेशो के साथ ही हमें डोसे बनाना है। और बैटर को मिक्सी में ग्राइंड करने के बाद में इसको
गरम जगह पर ही रखना है ताकि अच्छा खमीर उठ जाए। इस बात का आप ध्यान रखें और जब भी इसको यूज में लेना हो तो थोड़ा थोड़ा निकाल कर इसमें नमक ऐड करके ही आप डोसे बनाएं। बचे हुए बैटर को आप फ्रीज में रख दें। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।